हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज हम आपको बहुत सुंदर सी प्यारी सी ये फ्रॉक की चोली बनाना बताने वाले हैं। देखिए कितनी प्यारी कितनी सुंदर चोली है ये, और कितनी प्यारी सी इसके ऊपर हमने ये फ्रिल बनाकर लगाई है। बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा इसका फ्रॉक बनकर आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको आपको आगे फ्रॉक बनाना बताएंगे। इस वाले वीडियो में हमने आपको चोली बनाना बताया है, पहले आप चोली बनाना सीख लीजिए। नेक्स्ट वीडियो आप जरूर देखिएगा, इसका लिंक हम इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, उसमें से देखकर आप फ्रॉक भी बना लीजिएगा। आइए फिर हम इसे बनाना बताते हैं आपको। इससे पहले यदि आपने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे मेरा कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। आइए फिर हम इतनी सुंदर फ्रिल वाली, और ये देखिए हमने प्लेट्स वाली आस्तीन बनाई है, इस चोली को हम बनाना सीखते हैं। इसे बनाने के लिए देखिए सबसे पहले हम 70 चेन्स डाल लेंगे। ये हमने 70 चेन्स डाल लिए हैं। अब हम 1 2 3 थ्री चेन्स लेंगे ऊपर धागा करके। ये देखिए थ्री चेन्स छोड़कर ये फोर वाली चेन के अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए 2 का 1 और 2 का 1, एक हमारी ये डबल क्रोशिया मानी जाएगी और एक ये वाली। इस तरीके से हम इसके अंदर 11 डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए इस तरीके से डबल क्रोशिया बनाना है, हम इसमें 11 डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए हमने 11 डबल क्रोशिया बना ली हैं। अब हमें क्या करना है, 1 और ये 2 2 चेन्स लेनी है, धागा ऊपर करना है, और नेक्स्ट वाली देखिए नेक्स्ट वाली चेन है इसके अंदर डबल क्रोशिया बना देनी है। ये देखिए इस तरीके से फिर से हमें 11 डबल क्रोशिया बनानी है, बीच में हमें 2 चेन्स लेनी है और फिर से 11 डबल क्रोशिया बनानी है। देखिए फिर से हमने ये 11 बना ली है, फिर हमें 1 और ये 2 2 चेन्स लेनी है, धागा ऊपर करना है, और नेक्स्ट वाली चेन के अंदर से डबल क्रोशिया बनानी है। ये हमने 11 डबल क्रोशिया जो बनाई है ये आगे के लिए बनाई है, ये वाली 11 आस्तीनों के लिए बनाई है, और अब हम यहाँ पर बैक के लिए यहाँ पर हमें 25 डबल क्रोशिया बनानी है, हम बना लेते हैं। देखिए हमने ये 25 बना ली है बैग वाली। अब हमें फिर से 1 और ये 2 चेन्स लेनी है, नेक्स्ट वाले में फिर से हमें बनाना है, यहाँ पर 11 बनानी है आस्तीनों की, और फिर से 2 चेने लेकर फिर से 11 बनानी है आगे वाली, इस तरीके से जैसे हमने ये बनाई है। देखिए ये हमने कंप्लीट कर लिया है, 11 इधर बना ली है, 11 ये बना ली है, और यहाँ पर 25, फिर 11 और फिर 11। अब हम नेक्स्ट सिलाई आपको बताते हैं। देखिए नेक्स्ट सिलाई में 1 2 3 थ्री हमने चेन्स ली हैं डबल क्रोशिया की हाइट की, और एक हमें बीच में चेन डालनी है इसलिए ले ली है। अब ऊपर धागा करके एक हम होल छोड़ेंगे, नेक्स्ट वाले होल के अंदर हमें डबल क्रोशिया बनानी है। एक चेन लेनी है यहाँ पर और एक छोड़ना है, और इसके अंदर हमें डबल क्रोशिया बनानी है। एक चेन ले ली, ऊपर धागा किया, एक हमने डबल क्रोशिया छोड़ दी, और नेक्स्ट वाले में हमें डबल क्रोशिया बनानी है। एक चेन एक छोड़ा और नेक्स्ट में बना लिया, इस तरीके से ये लाइन हमें कंप्लीट करनी है। देखिए हमने ये वाली कंप्लीट कर ली है। अब हम देखिए यहाँ पर आ गए हैं जहाँ पर हमने ये 2 चेन्स ली थी, इसके इस वाली में हमने ले लिया है। अब हम एक चेन ले लेंगे, फिर हम इस होल के अंदर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम इस होल के अंदर जब एक बना लेंगे उसके बाद हम 2 चेन्स ले लेंगे, जिससे हमें याद रहे बीच ये है। आप देखिए इसके अंदर होल के अंदर से एक और बना लेंगे, ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर 2 लेंगे और हर जगह एक एक। अब इसके अंदर इसकी बराबर वाली में हम
फिर से एक डबल क्रोशिया ले लेंगे, लेकिन एक चेन लेकर, एक चेन लेकर यहाँ पर दो लेंगे और सब जगह एक। अब देखिए हमने इसके अंदर ले ली, अब एक चेन लेकर हम एक छोड़कर इसके अंदर ले लेंगे। इस तरीके से हम बनाते जाएंगे, एक छोड़ेंगे और एक के अंदर बनाएंगे, एक छोड़ेंगे और एक के अंदर बनाएंगे। अब देखिए फिर से हम यहाँ पर आ गए हैं होल के पास, इसके पास वाली में हम एक ले लेंगे और एक इसके अंदर लेंगे। पहले एक चेन लेकर, एक चेन लेकर इसके अंदर ले लेंगे। देखिए अब हम दो चेने ले लेंगे, वन और ये टू, फिर इसी के अंदर हम एक और ले लेंगे, फिर से एक चेन लेकर फिर से हम वैसे ही स्टार्ट कर देंगे। देखिए एक चेन और एक हम यहाँ पर स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाली में हम ले लेंगे। इस तरीके से ये लाइन हम कंप्लीट कर लेंगे। देखिए फिर से होल आ गया है, लास्ट वाला हम बता रहे हैं आपको। अब देखिए हमने इसके अंदर ले ली है इसके बराबर वाले में, अब एक चेन ले लेंगे और इस होल के अंदर हम एक डबल क्रोशिया, फिर दो चेन, फिर इसी होल के अंदर एक बार और बनाएंगे, फिर एक चेन लेकर इसके बराबर वाले इसके अंदर से बना लेंगे, फिर एक चेन, एक छोड़ेंगे और एक बार बना लेंगे। इस तरीके से ये कंप्लीट करेंगे। देखिए हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम वन टू थ्री, थ्री चेन लेकर इसे पलट लेंगे ऊपर धागा करके। देखिए ये जो होल है इसके अंदर से हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और ये जो हमने डबल क्रोशिया ली है इसकी चेन में से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक होल के अंदर और एक चेन के अंदर। देखिए एक होल के अंदर और एक चेन के अंदर, इस तरीके से हम इसे बनाएंगे। आप देखिए जहां पर हमने कॉर्नर बनाया है वहां पर आकर हमें क्या करना है, ये देखिए ये जो कॉर्नर बनाया है इसके पास हमें इसके अंदर देखिए एक लेनी है, ये हमने ले ली है। एक हमें कहां पर लेनी है, इसके ऊपर, ये देखिए इसके अंदर जैसे हम लेते हैं। अब जो ये होल आया है इसके अंदर हमें क्या करना है, वन टू, टू डबल क्रोशिया बनानी है और टू चेन्स, फिर इसी होल के अंदर हमें टू डबल क्रोशिया और बनानी है। देखिए पहले हमने इसकी चेन के अंदर भी लिया है, फिर होल के अंदर दो, फिर दो चेन्स, फिर दो डबल क्रोशिया, अब इसके अंदर हम एक बना लेंगे। इसे बनाने के बाद हमें क्या करना है, एक होल के अंदर और एक चेन के अंदर, इस तरीके से ये लाइन कंप्लीट करनी है। और जब ये होल आएगा तब होल के पास एक हमें इसके अंदर बनानी है डबल क्रोशिया, दो हमें इसके अंदर बनानी है, फिर दो चेन, फिर दो डबल क्रोशिया, फिर एक इसके अंदर, इस तरीके से ये कंप्लीट करना है। अब देखिए फिर हम यहाँ पर आ गए हैं, यहाँ पर फिर इस तरीके से ही करना है। देखिए इस चेन के अंदर हमने बना लिया, अब इस वाले होल के अंदर, इसके बाद हमें क्या करना है, ये जो हमने बनाई है डबल क्रोशिया इसके अंदर करना है और इस होल के अंदर हमें दो बार बनानी है, वन और एक ये टू, टू बनाने के बाद हमें वन और ये टू चेन्स लेनी है, फिर इसी होल के अंदर से वन और ये टू फिर से बनानी है और एक इसके अंदर बनानी है। ये देखिए फिर एक इसके अंदर होल के और एक नेट के अंदर, ये देखिए इस तरीके से बनाना है। ध्यान रखना जिस समय हमें नेट बनानी है उस समय हमें ज्यादा नहीं बनाने हैं, जिससे ये हर एक एक जैसी नेट दिखाई दे, इसीलिए हमने केवल इसके अंदर दो ही बनाए हैं और बीच में हमने दो इसलिए डाले हैं जिससे हमें ध्यान रहे कि हमें इसके अंदर ही आगे बढ़ाना है। और जब ये वाला आए तब इसके अंदर हमें क्या करना है, ज्यादा बढ़ा देने हैं,
देखिए एक हमने इसके अंदर लिया है, ये जो दो बनाए थे इसके अंदर, फिर दो ले लिए हैं होल के अंदर, फिर दो चेन्स और फिर दो होल के अंदर और ले लिए हैं, फिर एक इस चेन के अंदर ले लिया है, एक होल के अंदर, एक इसकी देखिए डबल क्रोशिया की जो चेन है इसके अंदर, एक होल के अंदर, इस तरीके से हम लेते गए हैं। इस तरीके से हमें देखिए इतना हमने कंप्लीट कर लिया है। अब ये आस्तीन वाले जगह पर हम आ गए हैं। अब हम आपको बताते हैं कि आस्तीनों वाली जगह पर आपको क्या करना है, इस वाली जगह पर और ये आस्तीन वाली जो दूसरी वाली है यहाँ पर। देखिए इतना तो हमें ऐसे ही बनाना है जैसे हमने बनाया है। अब हम इसके बाद एक चेन लेकर इसके अंदर वन और फिर वन और ये टू चेन लेकर एक और बनाएंगे। ऐसा तो आपको हर बार करना है। फिर एक चेन लेकर अब ये जो आस्तीन वाला है इसमें हमें क्या करना है ये हम बता रहे हैं। आस्तीन हमें प्लेट्स वाली बनानी है, इसीलिए यहाँ पर हमें थोड़े पास पास नेट बनानी है। वो कैसे बनानी है ये हम आपको बता रहे हैं। देखिए ये आगे वाला हिस्सा हो गया, ये हमारा बढ़ने वाला हो गया। अब हम ये जो पहला वाला होल है इसके अंदर से इस तरीके से बनाएंगे और एक चेन लेकर इसी के अंदर एक और बना लेंगे। ये केवल हमें आस्तीन वाली जगह पर ही करना है। एक के अंदर हमने दो बना लिए हैं, फिर से हम एक चेन लेकर एक छोड़ेंगे और ये वाला जो है इसके अंदर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन और फिर इसके अंदर ही एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरीके से, उसके बाद हम एक चेन बना लेंगे, एक छोड़ देंगे, फिर नेक्स्ट वाले में हम फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन और इसी के अंदर एक और, फिर एक चेन एक छोड़ा और इसके अंदर से भी हमें इसी तरीके से चेन लेकर एक और बनाना है। ये आस्तीन वाली जगह पर हमें इसी तरीके से बनाना है जिससे ये थोड़ी सी ज्यादा हो जाए और इसके अंदर फ्रिल आ जाए। ये केवल एक ही बार बनाना है, इस वाली आस्तीन में भी और इस साइड भी। अब देखिए यहां तक आ गए हम। यहां पर जैसे हमने ये नेट वाले के बराबर में यहाँ पर दो ले लिए हैं, ऐसे ही हमें ये देखिए यहाँ पर नेट वाले के पास आ गए हैं, एक छोड़कर हम इस वाले में बनाएंगे, फिर एक लेकर इसके अंदर एक और बनाएंगे। ये केवल आस्तीन की साइड में ही करना है। उसके बाद हमें एक चेन लेनी है और ये जो होल है होल के अंदर जैसे हर बार करते हैं, एक हमने डबल क्रोशिया बनाई, दो चेन और एक डबल क्रोशिया बना दी। अब हम एक चेन लेंगे और ये पहले वाला जो है इसके अंदर हम डबल क्रोशिया बना देंगे। अब एक चेन एक छोड़ेंगे और एक में डबल क्रोशिया। ये केवल आस्तीन वाली साइड में ही बनाना है। अब हम एक चेन ले लेंगे, एक छोड़ेंगे और एक डबल क्रोशिया। अब दो नहीं बनाएंगे, यहां तक हम कंप्लीट कर लेंगे, फिर आस्तीन वाली जगह में फिर ऐसी ही बनाना है। देखिए हम फिर से आस्तीन के पास आ गए हैं। यहाँ पर हमने फंदे बढ़ाए नहीं है, हर एक में एक एक ही बनाया है और ये भी बना लिया है इसके बीच वाला हिस्सा। अब इसके बाद हम ये आस्तीन के पास ये देखिए पहले इसमें हम एक चेन ले लेंगे, फिर इसके अंदर एक डबल क्रोशिया, एक चेन और इसी के अंदर एक और, फिर एक चेन एक मिस करेंगे, नेक्स्ट वाले में फिर से डबल क्रोशिया, एक चेन और इसी के अंदर दूसरी डबल क्रोशिया, फिर एक चेन एक मिस और नेक्स्ट वाली में डबल क्रोशिया, एक चेन और इसी के अंदर एक और। हमें आस्तीन में इस तरीके से प्लेट्स बनानी है, इसीलिए हम ये फंदे बढ़ा रहे हैं, केवल एक बार ही बढ़ाने हैं। अब हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए ये हमने इस साइड भी आस्तीन में बना लिया है और इस साइड भी आस्तीनों में ऐसे ही बढ़ा लिए हैं। अब हम बिल्कुल सिंपल सिंपल बनाएंगे, एक चेन एक छोड़ा और नेक्स्ट में डबल क्रोशिया, इस तरीके से ये हम कंप्लीट कर लेंगे। देखिए हमने कंप्लीट कर लिया है, आस्तीन की साइड में हमने फंदे बनाए हैं,
इस साइड भी और इस साइड भी। अब हमें ये आस्तीन की साइड और ये वाली साइड एक जैसी ही बनानी है। अब हमें फंदे नहीं बढ़ाने हैं। आप देखिए 1 2 3 थ्री चेन्स लेकर हम पलट लेंगे। अब हम इसके अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके अंदर भी, जैसे हमने आपको बताई थी, इसके अंदर भी और इसके अंदर, इसी तरीके से हमें बनानी है। देखिए अब आ गए हैं जहां पर हमने ये बढ़ाने वाली नेट बनाई है। इसके अंदर जैसे हमने आपको बताया था, पहले हम इसकी इस वाली डबल क्रोशिया के अंदर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसके अंदर हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर दो चेने और फिर दो और डबल क्रोशिया, 1 और 2, और इसके बाद इसकी ये वाली चेन जो है इसके अंदर भी डालकर डबल क्रोशिया हमें बनाना है। अब ये देखिए हम आस्तीन की साइड आ गए हैं। अब हमें हर जगह बिल्कुल ऐसे ही बनाना है जैसे ये बनाया है। देखिए एक होल के अंदर और एक डबल क्रोशिया की चेन के अंदर, एक होल के अंदर और एक चेन के अंदर, इस तरीके से हमें ये सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। देखिए हर बार हमें नेट वाले में केवल दो ही बनाने हैं, एक एक बनाकर बीच में दो चेने लेनी है और यहाँ पर हमें दो दो बनाने हैं, फिर दो चेने लेनी है। इस तरीके से हमें चार लाइनें इस ये वाली और बनानी है और चार लाइनें करीब हमें नेट वाली और बनानी है। अब हमें यहाँ पर कहीं पर नहीं बढ़ाना है, आज तीनों में बढ़ चुके हैं एक बार, ये बड़े हुए फंदे ही आगे बनाने हैं। बिल्कुल अब सिंपल सिंपल एक जैसा ही बनाना है। देखिए इस तरीके से ही बनाना है, कोई फंदा कहीं पे अब बढ़ाना नहीं है, सिर्फ जैसे हमने आपको बनाना बताया है केवल ये जो चार जगह हमने बढ़ाने बताए हैं वहीं पे बढ़ानी है। नेट पे केवल एक एक के बाद ही बढ़ाना है और सादा वाली में दो दो के बाद दो चेन्स लेनी है। अब हम आपको आगे बढ़ाकर बताते हैं कैसा लग रहा है और इसके बाद क्या करना है। देखिए हमने ये इतना बना लिया है। अब हमारा ये ऊपर की चोली का हिस्सा कंप्लीट हो गया है। इंच के हिसाब से हम आपको बता दें, देखिए हमने ये 4 इंच तक बनाया है और ये हमने देखिए 1 2 3 4 5 हमने ये वाली सिलाइयां रखी हैं और नेट वाली भी 1 2 3 4 5 रखी हैं। ये सब मिलाकर 10 सिलाइयां हमने रखी हैं। अब हम इसको आपको जोड़ना बताएंगे। इसे जोड़ने के लिए देखिए पहले हम यहाँ तक इसको ऐसे ही बना लेंगे जैसे हम बनाते आए हैं। अब जब हम ये कॉर्नर के पास आ जाएंगे तब हम कॉर्नर में 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। हम 2 डबल क्रोशिया बनाते थे, फिर 2 चेन और फिर 2 और बनाते थे। देखिए पहले हमने 2 बनाई, फिर 2 चेने और फिर 2 और। हम यहाँ पर केवल 2 ही बनाएंगे, चेन भी नहीं बनाएंगे। अब ये आस्तीन वाला हिस्सा हम इस तरीके से कर देंगे और ऊपर धागा लेकर ये जो नेक्स्ट कॉर्नर है आस्तीन वाला उसके अंदर डालकर देखिए इस तरीके से डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 1 ये 2। देखिए इस तरीके से हमने ये आस्तीन वाला ज्वाइंट कर दिया है। अब हम उसी तरीके से बनाते जाएंगे, 1 हम इसके अंदर बनाएंगे और 1 हम होल के अंदर, जैसे हम पहले बनाते आए हैं उसी तरीके से ये बैक वाला कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इसी तरीके से हम ये बैक वाला बनाते जाएंगे, 1 नेट में और 1 डबल क्रोशिया के अंदर और 1 नेट में, इस तरीके से हम ये कंप्लीट कर लेंगे। देखिए हम यहाँ तक आ गए हैं कॉर्नर तक। आप कॉर्नर के अंदर हम फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और ये दूसरे कॉर्नर को
यहाँ पर लाकर धागा ऊपर करके और कॉर्नर के बीच में से फिर से दो डबल क्रोशिया बना देंगे और फिर से हम उसी तरीके से ये वाली लाइन भी कंप्लीट कर लेंगे। देखिए एक इसके अंदर और एक होल के अंदर। देखिए हम यहाँ तक आ गए हैं लास्ट तक। अब ये देखिए इस होल के अंदर करेंगे पहले और फिर एक हम ये थ्री चेन के बाद इस चेन के अंदर से एक और कर लेंगे। देखिए ये हमने कंप्लीट कर लिया है। अब ये इस तरीके से आ गया है। देखिए ये आस्तीनें इस साइड आ गई हैं। ये हम प्लेट्स वाली आस्तीनें बना रहे हैं इसीलिए ये बड़ी लग रही हैं। और अब ये हमने जोड़ दिया है। अब हम इसको फिर से एक लाइन बनाएंगे। अब हम नेट वाली लाइन बनाएंगे। जैसे ये नेट की लाइन बनाई है वैसे ही बनाएंगे। 1, 2, 3 और एक नेट वाला 4 ले लेंगे। फिर हम ऊपर धागा करके और एक छोड़कर नेक्स्ट वाले में बनाएंगे। जैसे हम ये बनाते आए हैं एक चेन एक बार छोड़ेंगे और इसके अंदर से बना लेंगे। अब ये लाइन हमें कंप्लीट करनी है। देखिए अब यहाँ पर आ गए हैं हम। यहाँ पर भी हम देखिए एक छोड़कर एक के अंदर इस तरीके से करेंगे। एक चेन बीच में लेना जरूरी है, इसे नहीं भूलना है। एक चेन लेकर एक छोड़कर इसके अंदर कर लेंगे। फिर एक चेन छोड़कर एक देखिए एक छोड़कर इसके अंदर कर लेंगे। इस तरीके से हम ये लाइन भी कंप्लीट कर लेंगे। देखिए यहाँ तक आ गए हैं हम और इसी तरीके से हमें आगे बनाना है। देखिए इतना हो रह गया है, इसे भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए अब हम यहाँ पर आ गए हैं। हमें इसे इसी तरीके से कंप्लीट करना है। एक छोड़कर एक में, उसके बाद हम आपको बटन लगाने वाली आगे की बाउंड्री बनाना बताएंगे। देखिए ये हमने कंप्लीट कर लिए। अब हम आपको बाउंड्री बनाना बताएंगे और आस्तीनों का भी बनाना बताएंगे। बाउंड्री बनाना हम आपको पहले बता रहे हैं। देखिए इस तरीके से हम ये जो नेट है इसके अंदर हम एक और एक ये दो बना लेंगे और ये वाला जो हमने बनाया है इसके अंदर से भी हम दो बना लेंगे। हमें दो का एक करते हुए बनानी है। ये देखिए सिंगल क्रोशिया द्वारा बनानी है। हर एक होल में दो बार बनानी है। इस तरीके से यहाँ तक बना लेनी है। देखिए हमने बना ली है। अब हम ये पहले वाले के अंदर दो का एक कर देंगे। उसके बाद में 1 और ये 2 चैन से ले लेंगे और नीचे वाली जो है ये 2, 1, 2 स्किप करके ये 2 स्किप करके तीसरे वाले में हम 2 का एक कर लेंगे। ये इस तरीके से हम कांच बना रहे हैं। हमने देखिए एक बार 2 का एक कर लिया, 2 बार 3 4 और ये 5 पांच बार करना है। 5 बार करने के बाद में 1 और 2 चेने लेनी है, 1 और 2 स्किप करनी है और उसके बाद में फिर से हमें 5 बनाने हैं और फिर से हमें इस तरीके से बनाना है। देखिए लास्ट वाली में हमने ये ले लिया है। अब हम एक चेन ले लेंगे। एक चेन लेने के बाद में हमें क्या करना है, फिर से हमें इसके अंदर एक लेना है, इसके अंदर हमें 2 लेने हैं होल के अंदर
और इसके अंदर हमें एक लेना है और इनके अंदर हमें एक लेना है और होल के अंदर हमें दो लेने हैं। इस तरीके से हम ये लाइन कंप्लीट कर लेंगे। देखिए अब होल आ गया है, होल के अंदर हम दो ले लेंगे। इस तरीके से ये हम लाइन कंप्लीट करेंगे। देखिए हमने कंप्लीट कर लिया है। आप चाहें तो थोड़ा दूर दूर भी होल बना सकते हैं, तीन भी बना सकते हैं, चार भी बना सकते हैं, नीचे का हिस्सा इतना बिना बटन के भी रख सकते हैं। आपका मन जैसे हो आप उस टाइप से होल बना सकते हैं। और इसी तरीके से हमें इस साइड भी बनाना है। यदि आपको नीचे नहीं बनाना हो, नीचे का बंद करना हो, तो आप ये वाला होल स्किप कर सकते हैं। तीन ही काफ़ी रहेंगे। ये देखिए 1 2 3 यही काफ़ी रहेंगे। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। और इस वाले में आपको कांच नहीं बनाने हैं, इसे कंप्लीट कर लेना। देखिए आस्तीनों के लिए हमें यहाँ से जहाँ से हमने ये घटाया है इसके अंदर हम इस तरीके से बांध लेंगे धागा और ये 1 2 3 चेन्स लेकर इसके अंदर एक बार डबल क्रोशिया और बना देंगे। दो डबल क्रोशिया बना दिए हैं। अब इस वाले होल के अंदर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए ये हमने 3 बना दिए हैं। हमें इसके बाद ये वाली बनानी है जैसा हम हर बार करते थे, एक इसके अंदर और एक इसके अंदर। इस तरीके से हमें इसे कंप्लीट करना है या आस्तीन को इसी तरीके से कंप्लीट करना है। देखिए यहाँ तक आ गए हैं हम, एक इसके अंदर और एक होल के अंदर। और इसके बाद हमें नेट वाली बनानी है, दो बनानी है हमें, एक ये और एक नेट वाली। देखिए आप जितनी बड़ी चाहें रख सकते हैं। आस्तीन देखिए इस तरीके से बनानी। देखिए यहाँ पर आ गए हैं। इस होल के अंदर हमें एक बनानी है और ये वाला जो है इसके अंदर हमें दो बनानी है। देखिए एक बना ली और ये दो, दूसरी हम आधी बनाएंगे। और ये तीन की चेन वाली जो है इसके अंदर से हम इस तरीके से लेकर और इसको हम पूरा कर देंगे। देखिए ये जोड़ दिए हमने यहाँ पर। अब हमें, हम यहाँ पर एक सीधी और एक उल्टी साइड से बनाते आ रहे थे, अब ये राउंड शेप में आ गई है, तब भी हमें इस बात का ध्यान रखना है। देखिए 1 2 3 3 चेन्स लेकर हमें ऐसे नहीं बनाना है, नहीं तो ये बुनाई और ये बुनाई में अंतर आ जाएगा। अब हमें इसे इस तरीके से पलट कर बनाना है। हमने ये 4 चेन्स ले लिए हैं और ये देखिए एक छोड़कर एक के अंदर हमें इस तरीके से बनाना है। चलिए हम इसे कंप्लीट कर आपको फिर बताते हैं। देखिए ये आस्तीन हमने कंप्लीट कर ली है। एक बार हमने ये वाला बनाया है, एक बार नेट वाला और एक बार फिर से ये वाला हमने बना लिया है। इतनी ही सिलाइयां हमें बनानी है। इसके बाद हमें फंदे कम करने हैं। जो फंदे हमने आगे यहाँ पर बढ़ाए थे, एक ही चेन में से दो बार लिए थे, अब हम इसे घटाएंगे। घटाने के लिए देखिए हमें क्या करना है। देखिए इस तरीके से घटाएंगे, एक चेन लेंगे ऊपर धागा करके और देखिए एक छोड़कर नेक्स्ट वाले में हम इस तरीके से ले लेंगे। एक ही बार इसको निकालेंगे, दूसरी बार नहीं निकालेंगे। फिर से हम ऊपर ले लेंगे और एक छोड़ने के बाद में दूसरी बार फिर से हम इसके अंदर निकालेंगे। देखिए एक बार इस तरीके से निकालेंगे, अब ये तीन फंदे हम एक साथ निकाल लेंगे। इस तरीके से एक कम हो जाता है। जैसे हमने आस्तीन के यहाँ पर बढ़ाए हैं, ये देखिए ऐसे ही यहाँ पर ये कम हो रहे हैं जोड़े के रूप में। अब इसके बाद हम एक चेन ले लेंगे, एक छोड़कर नेक्स्ट वाले में हम, देखिए ये वाला छोड़ देंगे, नेक्स्ट वाले में हम
इस तरीके से बनाएंगे, दो का एक करेंगे, एक बार करेंगे, एक बार नहीं निकालेंगे, फिर इसके ऊपर फिर से धागा लेकर फिर से एक छोड़ने के बाद में हम ये देखिए इस तरीके से एक बार निकालेंगे और फिर ये तीन फंदे एक साथ निकालेंगे। देखिए इस तरीके से ये कम हो जाएंगे, एक चेन एक छोड़ने के बाद एक बार, फिर इसके ऊपर फिर एक छोड़ने के बाद एक बार, ये देखिए इस तरीके से हम कम करते जाएंगे। अब ये लास्ट आ गया है और लास्ट वाले में हम इस वाले में हम एक बार बना लेंगे। अब ये दो फंदे हैं ये चेन के अंदर, ये तीन की जो चेन ली थी इसके अंदर से हम इसको निकालेंगे और ये दोनों फंदे भी निकाल लेंगे। देखिए इस तरीके से ये फंदे कम हो गए हैं, यहाँ पर हमने बढ़ाए थे यहाँ पर हमने वैसे ही कम कर लिए हैं। अब हमें क्या करना है, हम देखिए इस तरीके से इसको एक चेन लेने के बाद हर एक के अंदर, देखिए हर एक के अंदर दो का एक करेंगे, एक चेन के अंदर से और एक होल के अंदर से, एक चेन के अंदर से और एक होल के अंदर से, इस तरीके से ये दो का एक करते जाएंगे, एक चेन के अंदर और एक होल के अंदर। देखिए यहां तक आ गए हम, एक चेन के अंदर ले लिया है, एक होल के अंदर ले लिया हमने। अब ये लास्ट वाले में हम इस वाले में ले लेंगे, जो हमने ये चेन बनाई है पहली वाली, इसके अंदर से हम स्लिप स्टिच ले लेंगे। ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हम कलर चेंज करेंगे। देखिए हमने इसके अंदर कलर चेंज कर लिया है। कलर चेंज करने के बाद हम इस तरीके से निकाल देंगे और इसके अंदर ही एक बार दो का एक कर लेंगे। दो का एक कर लिया है। अब हर एक चेन के अंदर, ये जितनी भी हमने चेन्स बनाई हैं, हमें हर एक चेन के अंदर दो का एक करना है। इस तरीके से हर चेन के अंदर हमें दो का एक करना है। देखिए सिर्फ दो का एक करना है, इसमें और कुछ नहीं करना है। एक बार हमने वाइट वाले से दो का एक किया है, अब एक बार हम इस कलर से दो का एक कर लेंगे। देखिए हमने ये लाइन भी कंप्लीट कर ली है। अब हम इसको इसके अंदर स्लिप स्टिच कर देंगे। देखिए ये इस तरीके से बन गया है। अब हमें क्या करना है, देखिए 1 2 3 थ्री चेन्स लेनी है। थ्री चेन्स लेने के बाद देखिए ऊपर धागा करके, और देखिए इस तरीके से लेना है जैसे डबल क्रोशिया लेते हैं। लेकिन हमें पहले क्या करना है, पहले हमें दो धागों में नहीं निकालना है, एक में ही निकालना है। पहले एक में, फिर दो में, फिर दो में ऊपर धागा किया, और देखिए इस तरीके से पहले एक में, फिर दो में, फिर दो में, फिर से इस तरीके से किया जैसे डबल क्रोशिया लेते हैं। पहले एक में, फिर दो में और फिर दो में। डबल क्रोशिया में हम क्या करते हैं, पहले दो में और फिर दो में, इसमें क्या करना है, पहले एक फिर दो और फिर दो। इस तरीके से हमें इसे लाइन को कंप्लीट कर लेना है। इसे कंप्लीट करने के बाद हमें जैसे हमने ये दो का एक किया है, एक लाइन दो का एक करके और बनानी है। देखिए इस तरीके से पहले हमने व्हाइट वाले से दो का एक किया था, फिर हमने देखिए पिंक वाले से दो का एक, फिर हमने ये वाली लाइन बनाई है, पहले एक में फिर दो में फिर दो में, उसके बाद एक लाइन दो का एक की और बनानी है। ये देखिए आस्तीन कंप्लीट हो गई है एक। इसी तरीके से दूसरी वाली भी कंप्लीट करनी है, और इसी तरीके से ये नीचे वाला हिस्सा भी हमें कंप्लीट करना है। ये हिस्सा बनाते समय हमने इस साइड से शुरू किया है, सामने से शुरू करते हैं तो जोड़ अच्छा नहीं लगता है। यहां से शुरू किया था, पहले व्हाइट वाले से दो का एक करके बना ली है, फिर पिंक वाले से, फिर ये वाली बनाई है, पहले एक में फिर दो में फिर दो में निकालकर, और उसके बाद ये दो का एक करके बनाई है। इसी तरीके से ये आस्तीन भी कंप्लीट करनी है। उसके बाद हमें गले का डिजाइन बनाना है। ये देखिए हमने ये यहां से शुरू किया है, हमने यहां से धागा चेंज किया है,
और 4 चेन्स ली हैं और फिर इसके अंदर हमने इसे लॉक कर दिया है। ऐसे करके हम ये चारों तरफ बनाकर लाए हैं। देखिए कहाँ पर करना है हम आपको बता रहे हैं। देखिए इस तरीके से 1 2 3 4 4 चेन्स लेनी है। और ये देखिए एक में हमने डबल क्रोशिया ली है ये, और एक ही बीच में ये चेन्स है, तो इस चेन के अंदर हमें 2 का 1 करना है। उसके बाद में 1 2 3 4 4 चेन्स और इसके अंदर 2 का 1 1 2 3 4 4 चेन्स लेनी है। और ये देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा इन दोनों डबल क्रोशिया के बीच में जो है इसके अंदर हमें 2 का 1 करना है 1 2 3 4 और ये लास्ट वाले में भी हमें देखिए 2 का 1 करना है। 2 का 1 करने के बाद में हमें क्या करना है, एक चेन लेकर इसे पलट लेना है। ये वाला हमें इस साइड से पकड़ के बनाया है हमने, और अब हम इस साइड से पकड़ के बनाएंगे। देखिए ये करने के बाद हमें ये जो होल है इसके अंदर स्लिप स्टिच करनी है। स्लिप स्टिच करने के बाद में 1 2 3 3 चेन्स लेनी है। इसके अंदर स्लिप स्टिच करने के बाद अब ऊपर धागा करके हमें डबल क्रोशिया बनानी है 2 का 1 और 2 का 1। ये देखिए 3 हो गई हैं, एक चेन वाली और ये 2, ये 3 और ये 4 5 6 और ये 7 7 बनानी है। 7 डबल क्रोशिया बनाने के बाद ये नेक्स्ट वाली चेन जो है इसके अंदर इस तरीके से डाल के 2 का 1 करना है। फिर से धागा ऊपर लेना है और इसके अंदर भी 7 बनानी है। देखिए 7 हो गई हैं। उसके बाद में फिर से हम नेक्स्ट वाले में 2 का 1 कर देंगे, फिर 2 का 1 करने के बाद ऊपर धागा करके इसके अंदर फिर से 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये लाइन हमें इसी तरीके से कंप्लीट करनी है, 7 डबल क्रोशिया और नेक्स्ट वाले में हमें लॉक करना है और उसके बाद फिर से 7 बनानी है। देखिए जब ये लाइन हमारी कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद क्या करना है, हमें यहाँ पर दोबारा से धागा बांधना है। हमें ये सीधी साइड से ही बनाना है, ये हमने उल्टी साइड से ये चेन बना ली थी वो तो दब गई है, हमें सीधा ही बनाना है, इसलिए दोबारा से यहाँ पर हमें धागा बांधना है। दोबारा से धागा बांधने के बाद में हमें क्या करना है, पहली वाली में हमें बांधना है, हमने ये 7 ली थी और उसके बाद ये दूसरी वाली जो है यहाँ तक आना है, दूसरी वाली में इस तरीके से आना है और 1 2 3 3 चेन्स लेकर एक और लेंगे चेन, नेट बनानी है हमें इसलिए, ऊपर धागा करके देखिए हमें नेक्स्ट वाली में डबल क्रोशिया बनानी है। फिर एक चेन लेनी है, फिर नेक्स्ट में बनानी है, फिर एक चेन लेकर इसके नेक्स्ट में बनानी है और एक चेन लेकर इसके नेक्स्ट में बनानी है। देखिए इस तरीके से हमें बनानी है, एक इस साइड छोड़नी है, एक इस साइड, ये 7 है, हमें 5 में बनानी है। 5 में बनाने के बाद ये वाली छोड़नी है, फिर इस वाली जो दूसरी वाली है उसकी भी पहली वाली हमें मिस करनी है, और फिर मिस करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर ये देखिए एक हमें इस तरीके से बनानी है। देखिए बनाने के बाद में हमें एक चेन लेनी है, फिर दूसरे में बनानी है, फिर एक चेन लेनी है, नीचे नहीं छोड़नी है, केवल एक चेन लेनी है और इस तरीके से देखिए फिर एक चेन फिर बना दी और एक चेन और ये फिर बना ली। देखिए इस तरीके से हमें बनानी है। बनाने के बाद में हमें फिर से एक ये वाली छोड़नी है और एक ये वाली, फिर से हमें 7 है ना, एक इस साइड और एक इस साइड छोड़कर 5 में लेनी है, एक चेन और एक में बनाना है। इस तरीके से हमें देखिए फ्रिल बनानी है। अब हम आपको बनाकर बताते हैं आगे क्या करना है। देखिए लाइन हमने कंप्लीट कर ली है जैसे हमने आपको बताया था। अब हम देखिए 3 की चेन लेंगे और ये जो हमने होल बनाई हैं इनके अंदर हम 2 का 1 करते जाएंगे। ये हमने 5 लिए हैं और
इस साइड भी 5 लिए हैं और ये बीच में हमने यहाँ पर इसको छोड़ा है। अब हमें देखिए 1, 2, 3 हमें लेने हैं और 3 लेकर हमें ये जो नेक्स्ट वाला होल है इसके अंदर 2 का एक करना है, 1, 2, 3 और ये जो नेक्स्ट होल है इसके अंदर 2 का एक, 1, 2, 3 और ये होल है इसके अंदर 2 का एक। ये देखिए एक जो पंखुड़ी है इसके अंदर ये 3 बनकर आएंगे। उसके बाद देखिए जब ये दूसरा वाला शुरू होगा तब हमें यहाँ पर चेन्स नहीं लेनी है, इसके अंदर इसी तरीके से केवल 2 का एक करना है। देखिए यहाँ पर हमने चेन्स नहीं ली है, यहाँ पर भी नहीं ली है। जब नया हम शुरू करेंगे तब हमें नहीं लेनी है, बस 3 बार लेनी है हर होल में डालने के लिए, 1, 2, 3 और ये देखिए हमने 2 का एक कर दिया, 1, 2, 3। अब इसके अंदर हम 2 का एक कर देंगे। अब ये नेक्स्ट वाला फ्लावर शुरू हो गया है, अब यहाँ पर चेन नहीं लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हम जोड़ देंगे और फिर से 3 चेन्स लेकर इस तरीके से हम कर देंगे। देखिए ये कंप्लीट हो गया है। हर फ्लावर में हमने 3 बार बनाया है और बीच में हमने नेक्स्ट वाले में जब लिया है तब हम इसमें चेन नहीं लेंगे। अब देखिए हम यहाँ तक आ गए हैं, अब हम एक चेन लेकर ये जो बाउंड्री है साइड की इसके यहाँ तक ले आएंगे। ऊन हमें स्लिप स्टिच करनी है, एक चेन लेनी है, फिर इसके अंदर स्लिप स्टिच करनी है, फिर एक चेन लेनी है, फिर स्लिप स्टिच करनी है। इस तरीके से हम यहाँ तक ले आएंगे लास्ट तक। देखिए लास्ट में हमने इसके अंदर डाल लिया है, यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच कर दी है। इस तरीके से हम इधर धागा ले आए हैं। यहाँ पर धागा लाके हमें क्या करना है, देखिए 1 चेन लेनी है और ये जो हमने यहाँ पर चेन ली थी स्टार्ट किया था उसके अंदर हमें इस तरीके से क्रोशिया डालनी है। संभाल के देख लीजिए, इस तरीके से डालनी है और इस तरीके से निकाल कर 2 का एक करना है। फिर 1 चेन लेनी है, 1 चेन लेकर फिर से हम इसके अंदर निकालेंगे और 2 का एक कर देंगे। देखिए एक चेन लेनी है और नेक्स्ट वाले होल के अंदर इस तरीके से डालकर 2 का एक करना है। एक चेन और ये नेक्स्ट वाले होल के अंदर डाला हमने और 2 का एक करते जाएंगे। देखिए इस तरीके से ये ऊपर लेस पर एक बाउंड्री सी बन जाएगी। देखिए यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ पर ये इस तरीके से बन जाएगी। हमें क्या करना है, सिर्फ एक चेन लेनी है और ये जितने भी हमने ये होल बनाई हैं इनके अंदर हम 2 का एक करते जाएं। देखिए यहाँ तक आ गए हम, एक बार और बता दें, एक चेन लेनी है, इसके अंदर इस तरीके से क्रोशिया डालनी है और 2 का एक करना है। एक चेन लेनी है और इस तरीके से डालकर 2 का एक करना है। देखिए हम आखिर तक आ गए हैं, एक चेन और इस तरीके से डालनी है क्रोशिया, 2 का एक, एक चेन और लास्ट में भी 2 का एक। देखिए इस तरीके से ये वर्क हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इस तरीके से बनाने से ये लेस बहुत सुंदर और प्यारी सी बन गई है। देखिए ये बाउंड्री बनकर आई है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी लग रही है और ये बनकर कंप्लीट हो गया है। इसका धागा हम अंदर को कर लेंगे। अब देखिए आप कितना प्यारा बना है ये। ये देखिए आस्तीन भी हमने कंप्लीट कर ली हैं और ये नीचे का भी कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका पूरा फ्रॉक बनाना बताएंगे। इस वीडियो में हमने आपको ये देखिए कितनी सुंदर प्यारी सी चोली बनाना बता दिया है। पहले आप चोली बनाकर तैयार कर लीजिए और नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। जो आप चोली देख रहे हो उसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप
फ्रॉक का लिंक भी देख सकते हैं। आप चोली बनाइए, फिर हम फ्रॉक का लिंक आपको बताते हैं। यदि आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो हमारा काम, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।